ये देखना भाई पूरी बाइक के जितना चलते हैं भाई सभी लेकर डोग अर्जेंटिनो के पास। ये देखना भाई बिल्कुल छोटी सी लग रही है इसका तो भाई बिल्कुल चूहा सा है जंप लगाने वाली है। ओ भाई साहब इस दोनों में से कोई सा भी छोड़ देगा नाम ले रहा तो भाई से रुक देखते भागे ओए ताब लिया ताब लिया। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल इथिक डॉक्टर फॉर गाइस। सुबह सुबह इनका नाम गया वगैरह लेकर आया। अब भाई ना ऊपर चलकर खाना दूंगा। आ जा भाई सिम्बा। और गाइस आज एक बार इतना खाना वाना खिला के फिर बताता हूं भाई कहां पे जाऊंगा। सब एक डॉग कुत्ता रख दिया खाना है लग रहा आराम से खाना। अरे पेडिग्री नहीं आज नहीं तो गाइस हो गया सभी डॉग का खाना वाना साथ साथ भाई मेरा भी हो गया। अब बाइक पर नहाता हूँ फिर भाई चलता हूँ ब्लड की सर्विस करवाने। और गाइस आज एक पाकिस्तानी बुल्ली का डॉग दिखाऊं बहुत जॉइंट है। इसको यहाँ पे बैठ कर कैरी की मेरा टायर दे दे इसका भाई टायर रखा ना ऊपर कोको टायर दे दूं। ये देखना भाई बार बार जंप कर रही रहा नहीं जाता डॉग तो जब चाह टायर ये तो दोनों के दोनों कहने लगे बट भाई टायर नहीं देता है ना आगे दुम्मा टायर। रास्ते में बुलेट का ड्राइवर चेंज हो गया अरे पैर आ जाएंगे तेरे इस पे कभी गिर जा। तो गाइस कर दी बुलेट खड़ी थोड़ा टाइम लगेगा इतना भाई पाक बुली देखने चलते हैं। शिवा में देख ला तरक्की दो पहिए में आए थे तीन पहिए में जा रहे। और गाइस आगे चल के गौरव की दुकान पे से बाइक उठा लेंगे उसकी फिर चलेंगे। मेरी बाइक दो ढाई बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और एक साथ देखो भाई भुक्कड़ को आते लग गए गौरव के साथ के अच्छा पर छा माई फेवरेट। तो गाइस ले ली गौरव की बाइक अब भाई चलते हैं सीधे। साथ ये पिटबुल की फीमेल मिली थोड़ी देर में पाकिस्तानी बुली का मेल भी आने लग रहा। आराम से बैठ गए यहाँ पे क्या पता भाई आते लुड़का दे क्योंकि भाई पूरा जॉइंट है एग्रेसिव तो नहीं देख लेगा आते खा जा शिवम को हिलिया ना बिल्कुल भी हिलिया ना फंस गया। ये देखना भाई पूरा बाइक के जितना वो बॉय सॉफ अब लग रहा भाई देखो इसका हाइट का अंदाजा। ये देखना भाई पूरी बाइक के जितना इसे तो भाई देख के वैसे लोग भाग डर जाएंगे। नाम क्या है भाई इसका मोती नाम बहुत क्यूट है बट भाई दिखने में पूरा डेंजर है अटैक वटैक भी करता है भाई किसी पे करता है तो भाई अलग रखो मारता है बट भाई ये है कि बिना बात में किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। वैसे भाई इसकी थोड़ी सी एज ज्यादा होगी वरना भाई जवानी का टाइम पर तो और ज्यादा तगड़ा था अब तो भाई 6-7 साल का हो गया। और गाइस मेरे तो सारे सारे डॉग्स पिल्ले से लगेंगे इसका आगे क्योंकि भाई ये जॉइंट ब्रीड मावे पाकिस्तानी बुल्ली हुआ या फिर डॉग अर्जेंटिनो हुआ थोड़ी देर में भाई डॉग अर्जेंटिनो भी दिखाऊंगे। चल ठीक है मोती भाई टाटा ओए ओए ले जाओ भाई ले जाओ ये तो भाई मेरे साथ जानू कह रहा गुड बाय। डॉग अर्जेंटिनो के मेल के पास जाने से पहले फीमेल दिखाता हूं फीमेल भाई यहीं पे है घर के पास। आज भाई सारी सारी जॉइंट ब्रीड में घूम रहा जिस जिसके पास जॉइंट ब्रीड है सभी के पास जाऊंगा। तो गाइस आगे डॉग अर्जेंटिनो की फीमेल के पास ये घूम रही भाई। और गाइस वैसे बिल्कुल फ्रेंडली है कोई दिक्कत नहीं है ये देख लो भाई गाय वगैरह सभी के पास है ये ब्रीड तो भाई बिना बात में बदनाम कर रखी। थोड़ी देर में डॉग अर्जेंटिनो का मेल भी दिखाऊंगा मेल देखना भाई कितना ज्यादा डेंजर है देख लो भाई कितनी ज्यादा फ्रेंडली है मैं इसके नाम का नो नू बट भाई बिल्कुल आराम से मिल रही। वैसे तो भाई इतनी ज्यादा खतरनाक ब्रीड है और गाइस देख लो मैं इसके पास ऐसे ही बैठा सब कुछ भाई रखने के ऊपर है इन्हें भाई अग्रेसिव बनाना या फिर फ्रेंडली बनाना अगर भाई प्रॉपर टाइम मिला ये भाई बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते बात सही है। फिर भाई अगर टाइम नहीं देते अग्रेसिव हो जा किसी दिन को भाई कोई ना कोई अग्रेसिव डॉग अर्जेंटिनो भी दिखाऊंगा। सब एक दोस्त के पास हो रहा है इसके पास भाई फुल मैस्टिक फीमेल है ये देखना भाई कैसे अग्रेसन कर रही है। और गाइस पूरा मुंह लाल हो गया मेरे तो धूप में घूम घूम के आज भाई सारी की सारी जॉइंट ब्रीड में घूम रहा फुल मैस्टिक भी भाई जॉइंट ब्रीड में ये देखना भाई इसको एग्रेशन कर रही ओ भाई बजवाना दियो। और गाइस यहीं पे है डॉग अर्जेंटिनो का मेल भी थोड़ी देर में दिखाते हैं उसे भी रुको जरा। हाँ भाई तेरा क्या नाम है बुड़गाना भर लिए नाम क्या है भाई इसका अरे ये तो अपना नाम खुद ही बता रही जिमी मैं जिमी घूम चलते हैं भाई सभी लेकर डॉग अर्जेंटिनो के पास। ये देखना भाई कितने मजे से बैठती है यहाँ पर आते देखो भाई क्या देखने को मिला वो भाई साहब कितना ज्यादा क्यूट है देखने में तो भाई बिल्कुल चूहा सा लग रहा नीला ही हो गया अभी डॉग अर्जेंटिनो का है तेरा लाल लग रहा ठीक है पहले से धूप में रख ले। और गाइस लियो को यहाँ पे बांध दिया बिकॉज़ भाई यहाँ पे स्ट्रीट डॉग हो गए ना क्या पता नहीं कि साथ बज जावे समझ रहे हो। गाइस आगे सामने से डॉग अर्जेंटिनो का मेल और गाइस देखना भाई बिल्कुल झोटा सा है इस बार तो भाई पहली बार से भी तगड़ा लग रहा जो पीछे स्ट्रीट डॉग है ना ये तो भाई सारे सारे पिल्ले से लग रहे हो भाई अलग रखो क्योंकि भाई हो तो ऐसा कुछ कहने का नहीं बट भैया कहते हैं कि ये भाई फीमेल होगी ना मेल भाई फीमेल के ऊपर एग्रेशन नहीं करता। ये देखना भाई बिल्कुल छोटी सी लग रही इसका तो चूहा बिल्ली सा लग रहा। और गाइस धीरे धीरे डॉग अर्जेंटिनो वाला भाई करंट मार लिया ये देखो भाई नो कह रहा बहुत देर का एग्रेशन हो गया साले को बम से उड़ा दूंगा। गाइस अभी डॉग अर्जेंटिनो को तो अंदर करते हैं बिकॉज़ भैया ज्यादा एग्रेशन कर रही थी क्या पता भाई फाइट वाइट हो जा। ये देखना भाई बिल्कुल पागल होगी जा लिया भाई डॉग वाला गया छोटी सी है बट भाई पूरा करंट है इसके अंदर तो ज्यादा सबसे ज्यादा क्यूट ये लग रहा देखना भाई बिल्कुल चूहा सा है अरे वाह कितना ज्यादा क्यूट है अरे आंख मार रहा की। तो गाइस अभी तक इसका कोई नाम नहीं है कमेंट बॉक्स में भाई इसका नाम बताना कोई क्यूट सा देखना भाई आंख लग रही मार रहा इतने खतरनाक खतरनाक डॉग्स दिखा रहा उन सबके बीच ये देख लो भाई कितनी ज्यादा क्यूट चीज है। तो गाइस अभी सब वापस छोड़ते हैं और गाइस उस पिटबुल वाली ग्रिप दिखाता हूं लो भाई टायर भी आ गया भाई लगवाते हैं ग्रिप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस दिखने में वैसा तो छोटी सी है बट भाई पूरा ओठ ब्लड है इसका ये देखना भाई कितनी तगड़ी ग्रिप लगा ली अरे वाह ये देखना भाई कितनी भयंकर ग्रिप लगा ली। और गाइस पिटबुल के अंदर यही खासियत हो गए खासियत कह लो या फिर कुछ भी कह लो ये भाई ग्रिप लगा ले बहुत तगड़ी बिल्कुल हवा में झूलेगी। वैसे भाई ग्रिप तो डॉग अर्जेंटिनो भी लगा ले बट भाई उनका शरीर थोड़ा हैवी हो गया ना समझ रहे हो। और गाइस देखना कितनी तगड़ी जंप लगा हुआ ये देखना भाई जंप लगाने वाली है ओ भाई साहब शाबाश बेटा। वैसे तो भाई छोटी सी है बट भाई कारनामे में देखो इसके कितने भयंकर भयंकर है। टायर
देखो मुंह मले गई खड़ी, ये देखना भाई छोड़ नहीं रही। हाँ भाई सा खाने का प्लान है तू तो भाई सब चलते हैं शोरूम बुलेट लेने के लिए। और गाइस देखो कैसे बैठी, नाम क्या था भाई, मैं तो नाम ही भूल गया इसका, लियो। लियो को देखो भाई कितने आराम से बैठी, इसे देखकर तो भाई मुझे रोक किया दारी रोक भाई, सेम टू सेम ऐसे ही बैठे हैं, बट भाई रोक और ज्यादा कंफर्टेबल होगा बैठ जाओ। तो गाइस रास्ते में लियो को एक बार उतारा था नीचे, बिकॉज भाई परेशान से होती फ्रेश वगैरह करवाते हैं ऐसे। और गाइस सामने से कितने सारे डॉग्स आ गए देखो, सारे के सारे भाई अग्रेशन कर रहे, बट भाई लियो को बिल्कुल बांध रखा टाइट वरना भाई फाइट हो जाएगी। बड़े भाई पिट बुलो, बट भाई देख लो कितने सारे हैं, अगर सारे के सारे चिपट गए ना खत्म दिखने में, तो भाई सारे ऐसे लग रहे जैसे भाई एबीपीटी हो। ये देखो ना भाई सबके कलर देखो कितने भयंकर भयंकर है। एक उन्हें देखो भाई कैसे बैठे, अरे वाह इस डॉग के नीचे बैठी आराम से। शाम के 4 बजे ऐसे ही घूमते घूमते सुबह भाई 7 या फिर 8 बजे निकले थे। और गाइस घर जाने से पहले अपने डॉग्स के लिए भाई थोड़ी सी शॉपिंग करता हूं, उनके भाई पट्टे वट्टे सब टूट रहे थोड़े बहुत, तो पट्टे लेने और भाई दुकान पे चल के देखते हैं क्या लेना होगी टोटल शॉपिंग। और गाइस देख लो इतने सारे पट्टे वट्टे ले लिए, ये भाई हड्डी है और गाइस ये सब पट्टे वट्टे हो गए। और गाइस रेड किंग के लिए बड़ा पट्टा लिया स्पेशल, शिव मैंने कुंडा लिया भाई अपने गले में टांगा इसे। तो गाइस हो गया अपनी बुलेट चका चका, भाई चलते हैं लेके। और गाइस घर पर चल के दिखाऊंगा क्या क्या शॉपिंग करी डॉग्स की। अब भाई सीधा घर जाकर मिलूंगा बैंड बजगी। और गाइस कान के देली लपेटे और कैसा भाई, तो मन निकल गया घर से बिल्कुल भी, क्यों भाई शिवम बिल्कुल नहीं आना। लो भाई कान के लपेटे देली बिल्कुल नहीं आना। फाइनली आगे घर पे और गाइस आते चिंटू डोन मिल गया, चिंटू डोन बिल्कुल काला पीला हुआ पड़ा, चिंटू प्लीज हाथ ना लगाइए। और गाइस रोक बार बार इस पन्नी की तरफ को देख रहा हूं, कह रहा क्या लेकर आए, तो गाइस दिखाता हूं क्या क्या सामान लेकर आया। लो भाई सिम्बा भी आ गया, वैसा भाई मैंने तो मैंने पट्टे वगैरह लेकर आया, ये तो भाई चेस्ट बेल्ट होगी गाइस ये लेकर आया मैं, बट भाई ये तो शायद मैं गलती लिया बिकॉज भाई मेरे पास रखी पहले से वो रखी शायद। और गाइस देख लो यहां से वहां तक पूरा पूरा डॉग्स का सामान रखा भाई। और दिखाता हूँ बाकी क्या क्या लेगा, ये भाई राइडिंग के लिए पट्टा हो गया, बाकी ये रे पट्टे ये वाला है सबसे हैवी पट्टा जो कि भाई राइडिंग के काम आएगा। और गाइस ये सब है कैल्शियम बोर्न हड्डी वगैरह इनकी भाई एपमस्ट है लीवर टोनिक इनका। और गाइस ये न्यूट्रीकोट एडवांस है, ये भाई सिम्बा के लिए है। और गाइस ये शिवम ने रख लिया था, पता नहीं भाई क्या करेगा इसका। टोटल भाई ये सब सामान लेगा, मेन तो भाई पट्टे वगैरह है। रोक भाई पूरे ध्यान से देख रहा क्या क्या लेगा। गाइस आज तो रोक के पैरों में भी काफी हत्था करा मैं, रोको ठीक है तू। डॉग्स के भाई इतने सामान हो गए, रखने की जगह कम पड़ेगी, ये देखना भाई यहाँ से यहाँ तक पूरे डॉग्स ही डॉग्स के सामान रखे। ये भी नहीं की सारी शीशी खाली हो रही ना भाई, फेंक वैक भी नहीं सकता, करूंगा भाई इनका कुछ ना कुछ। इनके नाम की स्पेशल कोई अलग से जगह बनाऊंगा, मतलब इनके नाम की नहीं सामान वगैरह रखने के नाम की, तू समझा। लड़ाई बार ट्राई करके दिखाइए कैसा लगे अपने गले में गिरी, अरे वाह एक नंबर का लग रहा। और गाइस रोक के गले में ऐसी वाली चैनी बढ़िया लगे, इसके गले में भाई पट्टा वगैरह कुछ नहीं डालता, रेड किंग के गले में पट्टा डालता हूं। देखता हूं भाई पट्टा डालने के बाद कैसा लगेगा, वैसा तो भाई बढ़िया लग रहा बट भाई थोड़ा बड़ा है इसमें भाई एक और चेक करना पड़ेगा। तो गाइस ना लिया और गाइस ना थोड़ा मूड सा फ्रेश हो गया, अब भाई चलता हूं घुमाने के लिए। और गाइस आज रेड किंग और गाइस सिम्बा को लेकर जाऊंगा, आज कोको कुन लेकर जा रहा अपने साथ या भाई रोक के साथ खेल ले घर भाई। और गाइस रोक को कल को लेकर जाऊंगा बिकॉज भाई रोक ठीक हो गया, रोक के भाई काफी हत्था करा हमेशा भाई, कल घुमाने लेकर जाऊंगा काफी दिन हो गए। देखना भाई जितने मजा लिया रोक नु कह रहा मैं ठीक हूँ, रोक बस आज आज और रेस्ट कर ले रहा नहीं जाता। कोको कह रही मेरी क्या गलती, मुझे तो लेकर चल बात सही। कोको पट्टा उठाते पूरी मटकने लगी, देखना भाई कैसे कर रही है। कोको घूमी करने जाओगी, इसका भाई ज्यादा मन कर रहा घूमने जाने का, मेरा भाई एक मन कर तो राय से ले जाऊं, एक मन कर रहा भाई सिम्बा को ले जाऊं साथ। हाँ कोको जाओगी तू भी, कोको को मनाने का भाई एक आइडिया है इसका, भाई टायर फेंकता हूं या भाई टायर में लगी रहेगी। लो भाई कोको अब भाई अपने टायर के लिए लगी रहेगी, आजा सिम्बा तू आजा घूमी करने चलिए। देखना भाई कैसे खेल रही, थोड़ी बहुत देर में रोक भी आ जाएगा, रोक के साथ खेल लेगी। तो गाइस हो गया अपनी दोनों जोड़ी एकदम घूमने को रेडी, सिम्बा देखो भाई पहले रोकने लगा, बट भाई एक दिक्कत होगी चिंटू हो गया हमारे साथ साथ, चिंटू के साथ भाई राइडिंग की दुश्मनी है, साले को बम से उड़ा दूंगा। तो गाइस तो चिंटू से बचना मुश्किल हो गया, पीछे से तो भाई साहब देसी डॉग गधेड़ रहे, सामने भाई रेड किंग खड़ा बीच में फंसेगा चिंटू, बट भाई घर जाने का नाम नहीं ले रहा वो वाली भाई, सामने से पूरी फौज उतरी फंस गया। अभी घर वापिस चल रहे बिकॉज भाई चिंटू ने सारा काम बिगाड़ दिया, चिंटू भाई साथ साथ आने लग रहा था फिर भाई रेड किंग को घुमाने जाओ था, इस वजह से भाई सोचा घर वापिस चलते हैं। ये देखना भाई कैसा लग रहा मेरे पीछे पीछे से, क्या फायदा भाई रेड किंग के साथ कुछ बजते, पहली बार तो भाई दिक्कत हो भी गई थी इस वजह से इस बार ज्यादा रिस्क नहीं लिया। आया घर पे और गाइस को देखो अब तक टायर में लगी पड़ी, जब तक भाई के सामने से टायर नहीं हटा हुआ ना ये तो भाई ऐसे ही लगी रहेगी पागलों की तरह। एक बार गौरव के पास चलता हूँ, जो उसके पास शेरू है ना उसकी भाई कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, उसका भाई ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि भाई उसका नीचे कीड़े हो रहे हैं और गाइस डॉक्टर को अपने पास जाने नहीं दे रहा, इतना भाई को अपने टायर में लगी रहेगी। देखना भाई कैसे खेल रही है, उत्तरी उत्तरी कितने झटके मार रही। लो भाई रोक भी आगे लग गया, दोनों में से कोई सा भी छोड़ देगा नाम नहीं ले रहा। ये देखना भाई बिल्कुल लपेटे आगे टायर में, बट भाई कोई सा नहीं छोड़ रहा क्योंकि भाई कोको भी ऐसी होगी और गाइस रोक का सभी को पता, इसने तो भाई को ग्रिप लगाने सिखाया था। इस वैसे एक देखा जा भाई को ग्रिप लगाने में सागर निकल भी गई, ये देखना भाई रोक ने तो छोड़ दिया बट भाई कोको ने नहीं छोड़ रहा, तो गाइस इन्हें लगे रहने देता हूँ। ऐसे ही चलता हूँ भाई अब सीधा गौरव के पास, रास्ते में शिवम भी मिल गया वहां लग रहा पीछे से, तो गाइस अभी गौरव मुझे खड़का सुना रहा अपनी बुलेट का, भाई मेरी मजाक ले रहा, मेरी वाली अभी नॉर्मल साइलेंसर में है ना, आराम था पैर भी तोड़ दे गया। कोई नहीं थोड़े टाइम की बात है, मेरी वाली भी नहीं करेगी, रुको जरा। अरे ऐसा ही होगा इस तरीके का होगा, और जो कर दिया मैंने साइलेंसर का फर्क नहीं है, फर्क है इनका, ओल्ड मॉडल हो गया ना। और गाइस शेरू की कंडीशन देखो भाई कितना ज्यादा पतला हो गया, वरना भाई पहले तो बहुत तगड़ा था, इसने भाई खाना वाना सब कुछ छोड़ रखा, जो ये बाल वाले पड़े ना ये सब शेरू के बाल है, ये भाई लॉन्ग कोट के साइड इफेक्ट है उत्तरी। ये देखना भाई हाथ लगाती कितने सारे बाल आई निकल गए, सब तो शेरू पहचान में भी नहीं आ रहा, वरना भाई पहले तो बिल्कुल बालू सा था। डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हुए डरे बिकॉज भाई थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए नीचे हाथ लगाने से। और गाइस बाहर काफी सारे डॉग्स भोग रहे हैं, कहीं मेरे पीछे पीछे
अच्छा चिंटू ना आ गया, वो चिंटू को देखता हूँ वो ऐसा ही है भाई। सामने से भाई एक ओल्ड डॉग आ रहा है, इस वजह से भौंक रहा है। ये तो भाई शेरू को देखते भागे, ओए दाब लिया दाब लिया, पकड़ पकड़ पकड़। ये भाई शेरू को देखकर डर गया था, पीछे से भाई स्ट्रीट डॉग ने दाब लिया। ओए बच जाएगी अलग कर ले। एक बार को मुझे लगा कि चिंटू आ गया, क्योंकि भाई काफी सारे डॉग्स भौंक रहे थे ना। इधर से भाई शेरू भौंकने लग रहा है, शेरू भी तो पूरा एग्रेसिव है डॉग्स के प्रति। ले जा रहा ले जा बुड़का भर लगा। तो गाइस एक बार इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर मिलते हैं। कर दी इसके अच्छे से भाई, कीड़े वीड़े तो भाई सब निकाल दिए, अब तो भाई बस जख्म भरना रह गया। इसका काफी दिन से चोट लग रही थी, बट भाई लॉन्ग एयर होने की वजह से पता नहीं चला। जब भाई कीड़े वीड़े हो गए, जब जाकर पता लगा। एक देखा जाए तो भाई लॉन्ग एयर का भी साइड इफेक्ट ही है। तो गाइस पहलवान जी देखो मैं क्या खिला रहे, इन कह रहे हैं बुड्ढी बनेगी। देख स्प्राइट और लग रहा है प्यार। अरे बुड्ढी बनेगी इस तरह क्या बोला तूने? तो भाई शिवम लुटका दिया, शिवम बदमाश बन रहा था उन्होंने देखा हमारा। मार जा घुमा के, मार मार घुमा के, मार घुमा के, मार जा घुमा के। ओ भाई जा, ओ लगा 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 गिर गया गया। ला फोन दे दे, इब देखेंगे घोड़ा बेइज्जती हो जाएगी। मार घुमा के, मार घुमा के, बहुत बढ़िया गया 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 सिर पे। हाँ भाई कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? रुक जाए बस, इंटरव्यू ले लू। हाँ भाई शिवा में कुछ कहना चाहूंगा, तो बाल बाल दिख रहे मुंह। अबे साले। तो गाइस आ गया घर पे, और गाइस आज की वीडियो कैंडी भी करता हूँ, बिकॉज भाई रात होगी। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना। रोको देखो भाई कैसे कर रहा, कल को भाई रोको घुमाने लेकर जाऊंगा।